आज हम बात करते हैं उन पेरेंट्स के कमेंट पे जिन्होंने मुझे कहा है कि मैम जो बच्चा मुझे अडॉप्शन में दिया जाएगा उसका हेल्थ कंडीशन कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कारा के गाइडलाइन में वो सारे टेस्ट करवा करके बच्चे को पेरेंट्स को दिया जाता है, जिसको MER बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसमें सारे टेस्ट जो है बच्चे के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट उसमें करवा करके एजेंसी वाले पेरेंट्स को देते हैं। लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर के हिसाब से उस बच्चे का मेडिकल जांच करवा ले, अपनी संतुष्टि के हिसाब से जो भी टेस्ट उनको करवाना है वो करवा सकते हैं। अगर उनको कोई मेजर इश्यूज दिखता है उस बच्चे में जिसकी वजह से वो बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उनका वेटिंग लिस्ट जो है वो फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, फिर उन्हें दूसरा रेफरल जो है वो कुछ दिन बाद दिया जाएगा।